अस्सलामु अलैकुम। वीक 3 डे 5 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 बेटा, हमारे पास डे 5 में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 है। अगेन वही सब चीज़ें रिपीटेड है बेटा, बस जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। आपने इसको बार बार करना है, जाहिर सी बात है। और एक और बात, मैं पिछली वाली वीडियो में ही बताना भूल गई थी बेटा कि क्वेश्चन नंबर 12 की भी पार्ट 4 में आपको ग्राफ या मेंशन है, इसके लिए भी आपने पेज स्किप कर देना है। इंशाल्लाह आप लोग जब आएंगे तो मैं आपको अच्छे से इसको आपको समझा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 दोनों सेम क्राइटेरिया से होंगे, इसमें भी ग्राफ का पोर्शन आपने नहीं करना है, पेज आपने स्किप कर देना है बेटा। मैं इसमें से आपको दोनों में से अगर कोई भी समझाती हूँ तो आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्राइटेरिया सेम है। यहाँ पर वर्डिंग क्या दी हुई, फोर्थ अपन मैं क्वेश्चन नंबर 13 समझा रही हूँ आपको। द प्रेशर पी पास्कल्स, याद रहे बात कि प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल्स। ये सारी चीज़ें फिजिक्स में आप लोग स्टडी करोगे, क्लासेस जब फर्दर आप लोग बढ़ती जाएंगी, लेकिन आपको इतना कॉन्सेप्ट मैं दे रही हूँ कि प्रेशर का यूनिट पास्कल होता, पास्कल यूनिट है प्रेशर का। गैस ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर टी केल्विन, एंड टेम्परेचर का यूनिट आपको याद हो क्लास 6 में एक दफ़ा मैंने आप लोग को ये वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाया था। केल्विन इज ऑल्सो अनदर यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि सेंटीग्रेड होता है इसी तरीके से केल्विन भी टेम्परेचर का यूनिट होता है। बात बताने का मकसद ये कि पी प्रेशर है, टी फॉर टेम्परेचर है, दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि टी और पी आपको गिवन है, वही आपने काम करना है, इक्वेशन कनेक्ट करनी है पी और टी की। तो आपने फर्स्ट वाले पार्ट में सबसे पहले क्या लिखना है, सिंस पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिंस पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, सो वी हैव टू राइट अ न्यूमेरिकल फॉर्म। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के यानी टी के, और यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे इक्वल्स के साथ, के आ जाएगा और टी का टी रहेगा। अगेन बताती चलूँ कि आपने यहाँ पर के की वैल्यू निकालनी है, जो कि आपको टी और पी की वैल्यू पुट करने के बाद मिल जाएगी, जो कि पी की वैल्यू आपके पास 25 है, के की वैल्यू हमें नहीं निकालनी है, टी की वैल्यू क्या है बेटा 10, क्योंकि यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जगह क्या हो जाएगा 25 से डिवाइड हो जाएगा बेटा मेरे, और आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी देख लेते हैं बेटा। 2.5 आई है तो ठीक है बेटा, 2.5 आपकी k की वैल्यू आ चुकी है। जब आपके पास k की वैल्यू आ गई, अब आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, क्योंकि आपको इक्वेशन कनेक्ट करनी है, तो p रहेगा, k की जगह 2.5 आ जाएगा, t की जगह t ही रहेगा। आपने इक्वेशन फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, कनेक्ट कर ली इक्वेशन। नाउ वही फर्दर पार्ट सेकेंड पार्ट में आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, p की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जबकि आपको t कितना दिया हुआ है, जबकि आपको वैन t इक्वल्स टू 24 आपने अपनी पूरा जर्नल इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए t की वैल्यू फाइंड करनी है। p तो p रहेगा, 25 तो 25 रहेगा, t पहले हम उतार लेते हैं ताकि अगेन आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, और ये t की जगह t की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। याद रहे p फॉर प्रेशर, तो यूनिट आपको दी हुई है, तो प्रेशर आपको पता है प्रेशर की यूनिट इन्होंने क्या दी हुई है, पास्कल्स, तो आगे आपने पास्कल्स भी लाजमी मैंशन करना है। थर्ड पार्ट है हमारा बेटा, जबकि आपको t की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि आपको p की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है बेटा 12 दी, p की वैल्यू आपको 12 दी हुई है। अगेन आपने वही इक्वेशन यूज़ करनी है, p इक्वल्स टू 2.5, t p की वैल्यू इस बार पता है 12 है, 2.5 सी रहेगा, t भी ऐसी रहेगा, क्योंकि हमें t फाइंड करना है, 2.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर 12 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लोगे तो t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। याद रहे बात, बिकॉज टी फॉर टेम्परेचर यू ऑल्सो राइट ऑफ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, सो इट इज़ अ केल्विन, नाउ यू राइट ऑल्सो द यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड इट इज़ केल्विन। इसके अलावा बस बेटा ये दोनों सेम क्राइटेरिया से होंगे, इंडेक्स प्रॉपरली मेंटेन करिएगा, जदाकल्ला।